वेलकम टू दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेड हैट 7.9 की इंस्टॉलेशन। हमने सीडी से कंप्यूटर को बूट करवा लिया है और सीडी से बूट होते ही ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है। इसमें पहला ऑप्शन लिया हमने इंस्टॉल वाला और उसके बाद हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट स्क्रीन के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको 7.9 आज इंस्टॉल करना सिखाएंगे। अगर आप हमारे टेक्निकल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। तो यहाँ कुछ देर आपका पीसी वेट करेगा, उस आपके पीसी की रैम और उसके प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। और हम ये सारा कुछ टूल्स वर्चुअल मशीन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वीएमवेयर ओरेकल का है, उसके थ्रू हम एक्चुअल मशीन में विंडोज ही यूज़ कर रहे हैं। तो बड़ी कन्फ्यूजन ये, आपको हम वही स्क्रीन दिखाएंगे जो एक्चुअल 9H पीसी पर आपको मिलेगी। इस 7.9 ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ISO है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे बॉक्स में लिंक दे दूंगा मेरी ड्राइव का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये ISO फाइल Red Hat की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया हुआ है और बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड। तो अभी बूटिंग सिस्टम चल रहा है और अंडर प्रोसेस है बूटिंग सिस्टम को, तो ध्यान से देखिए हमारी पूरी वीडियो को। और इस वीडियो में हम आपको लिनक्स को एक्टिवेट करना भी सिखाएंगे कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो ये पहली स्क्रीन आई है इसके इंस्टॉलेशन के दौरान हमारे पास। इस स्क्रीन पर आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए कहा जाएगा, इंग्लिश इंडिया लीजिए, देन कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ लोकेशन ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे सबसे मेन टास्क है आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसके पार्टीशन करना, जैसे हम विंडोज इंस्टॉल करते समय करते हैं वही चीज़ इसमें करनी है। परंतु इसमें जो पार्टीशन सिस्टम है डिफरेंट है। ये दोबारा हम लैंग्वेज ऑप्शन में गए, इंग्लिश इंडिया लेंगे और डेट टाइम में हमें एशिया कोलकाता सेलेक्ट करना है इंडिया के लिए, जिसको हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद कीबोर्ड लेंथ इंडियन रहेगा और इंस्टॉलेशन सोर्स अपने आप सिस्टम उठा लेगा। उसके बाद इंटरनेट पे जाना है और आपको इसे ऑन कर देना है ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आपके साथ आ जाए। ये देखिए हमें DHCP से IP भी मिल गया है। ये DHCP हमें इंस्टॉलेशन के दौरान ही मिल गया है। नीचे आप हॉस्टनेम भी रख सकते हैं, अभी हम नहीं रखते हैं, इंस्टॉलेशन के समय रखेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर सिलेक्शन है, कैसा सर्वर बनाना है और सबसे मेन पार्टीशन सेटिंग। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपके हार्ड ड्राइव दिखाई देगी, 2 GB का ड्राइव है। और यहाँ आई विल बी कॉन्फिगर पार्टीशन पर क्लिक करना, ऑटोमेटिक नहीं करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए 248 GIB यानी कि GB स्पेस हमें मिल गया है, जो ब्लैंक है, कोई पार्टीशन हमारे पास अवेलेबल नहीं। प्लस का सिंपल दबाएंगे, माउंट पॉइंट पर जाएंगे और पहला पार्टीशन बनाएंगे बूट के लिए। तो यहाँ पे बूट के लिए हमने 100 GB का एक पार्टीशन बनाया। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे सी ड्राइव, डी ड्राइव, वी ड्राइव नहीं बनता है, यहाँ पे कुछ और अलग पार्टीशन सिस्टम होता है। सबसे मेन होता है रूट, बूट, होम, स्वाइप, इस तरह से। तो पहला पार्टीशन हमने बनाया बूट के लिए, इसमें बूटिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी, ये 100 GB, 10 GB जो अवेलेबिलिटी चाहो आप थोड़ा सा बना सकते हो बूटिंग सॉर्स के लिए। देन हम होम पार्टीशन बनाएंगे, इसमें हमारी जितने भी सॉफ्टवेयर की होम डायरेक्टरीज बनेगी या जो यूज़र बनेगा उसकी जो सब डायरेक्टरी बनेगी, होम डेटा बनेगा, वो यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं 100 GB का। जब भी हमको यूज़र बनाएंगे इस OS में उसके होम डायरेक्टरी यहाँ बनेगी। वाह, जितनी अगर हमने इसे वेब सर्वर बनाया तो वेब सर्वर के रिगार्डिंग जितनी भी सर्विस है WW फोल्डर में हम डेटा रखेंगे वो वार में जाएगा, तो वो भी हमने 100 GB का बना लिया। लास्ट में हमें स्वाइप पार्टीशन बनाना है रैम का दुगना। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टीशन है, इसके पास अपनी भी रैम की तरह ही एक वर्चुअल मेमोरी होती है जिसको स्वाइप पार्टीशन बोलते हैं। मेरे पास 16 GB रैम है तो मैं 32 GB का ये पार्टीशन बनाने जा रहा हूँ। गलती से मैंने 32 MB बना दिया, ये GB बनाना है मुझे, तो इसमें सही कर लूंगा। इसके बाद बनाना रूट, बचा हुआ सारा का सारा साइज लास्ट में आपको रूट देना है। रूट सबसे मेन पार्टीशन है, इसको हमने मेन बना दिया, नीचे अवेलेबल स्पेस दिख रहा है, सारा का सारा हमने GIB डाल के और ऐड माउंट पे क्लिक कर दिया। तो पार्टीशन हमने बना लिए हैं दोस्तों, लास्ट में इसको डन कर देना है। तो जैसे हम इसे डन करेंगे पार्टीशन हमारे ये पूछेगा स्केप्ट एंड चेंजेस कि ये पार्टीशन चेंज हो रहा है। स्केप्ट करते ही आपके सारे पार्टीशन क्रिएट कर दिए जाएंगे। अभी आपको थोड़ी देर वेट करना है, जो आपने पार्टीशन बनाया है वो प्रोसेस होने के बाद नीचे एक बटन आएगा बिगनिंग द इंस्टॉलेशन। बिगनिंग द इंस्टॉलेशन करने पर क्लिक, आपको डायरेक्ट इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इस तरह से दो तरह के यूज़र यहाँ पर बनती है, जैसे विंडोज़ में होता है एडमिनिस्ट्रेशन और नॉर्मल यूज़र, यहाँ पर होता है रूट। एडमिनिस्ट्रेटर को लिनक्स में रूट बोलते हैं और नॉर्मल यूजर्स को यूजर किचन में। तो यहाँ आपको दोनों यूजर बना लेने हैं, रूट यूजर बाय डिफॉल्ट बनेगा, उसका पासवर्ड यहाँ डिजाइन कर लेना है।
इस पर क्लिक करके आप हॉटस्पॉट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहो तो एक यूज़र भी बना सकते हो, जैसे विंडोज़ में भी आप इंस्टॉल करते हो तो एक यूज़र बनाते हो, बट बैकेंड पे एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र भी होता है जिस पे पावरफुल काम किए जाते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट आजकल की विंडोज़ 10 और 11 में डिसेबल आता है। उसी तरह लाइनक्स में भी जो वर्किंग यूज़र होगा वो ये वो जो यूज़र आप क्रिएट करोगे अभी वही होगा, परंतु बैकेंड पे सुपीरियस या सर्वर इंस्टॉलेशन जब आप इस लाइनक्स में करेंगे तो आपको रूट यूज़र का जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप रूट यूज़र का पासवर्ड डिज़ाइन कर ले। अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है, जब आप यूज़र क्रिएट कर रहे हैं और रूट का पासवर्ड डिज़ाइन नहीं कर रहे तो उसे मेक एडमिनिस्ट्रेटर पावर आप दे दीजिएगा तो वो यूज़र भी रूट की तरह काम करेगा बट रूट वाले काम फिर भी नहीं करेगा। फिर एक कमांड होती है sudo password root। इस कमांड के जरिए भी आप आगे जाके भी टर्मिनल पर भी रूट का पासवर्ड डिफाइन कर सकते हैं, तो कोई बिग इशू नहीं है, यहाँ कीजिए या बाद में भी आप एडमिनिस्ट्रेटर वाले यूज़र से लॉगिन होके भी इसे कर सकते हैं। अगर फिर भी गलती रही तो आप फॉरगेट रूट पासवर्ड से भी इस काम को कर सकते हैं। यहाँ पर भी फिर आपको टाइमिंग लगेगा, ये इंस्टॉलेशन का फाइनल स्टेप है, इसके बाद आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा, जो पेन ड्राइव या बूटेबल मीडिया या सीडी जो भी आपने कंप्यूटर में लगाया है उसे रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे इस रिबूट बटन को दबाने से पहले उस बूटेबल सोर्स को रिमूव कर लीजिए अपने कंप्यूटर में से, अदरवाइज वो कंप्यूटर वापसी से बूट हो जाएगा आपके OS के बजाय आपके बूटिंग सोर्स से। तो जो बूटेबल मीडिया आपने लगाया है उसे पहले रिमूव कीजिए, फिर रिबूट बटन पर क्लिक कीजिए, आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 7.9 एडिशन का फर्स्ट स्क्रीन आपको देखने को अभी मिल जाएगा। इस तरह से लाइनक्स 7.9 इंस्टॉल करते हैं, मगर लाइनक्स 7.9 को या लाइनक्स का रेडिट का कोई भी वर्जन इंस्टॉल करने के बाद उसे ऑपरेट तक नहीं कर सकते जब तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि उसका अथेंटिकेट सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया। ये अथेंटिकेट सब्सक्रिप्शन आज के समय में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो $30 के आसपास है। आप $30 देकर एक रेडिट लाइनक्स का एक साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। परंतु दोस्तों इस वीडियो में मैं बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी एक ट्रिक आपको बताऊंगा, आप लाइनक्स में एज ए डेवलपर रजिस्टर होके भी आप लाइनक्स के किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेडिट हमारी इंस्टॉल हो गई है, आपके सामने लिखा आ रहा है 7.9 फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करके एंटर करना है और रेडिट का इंस्टॉलेशन के बाद फर्स्ट स्क्रीन 7.9 OS का आपको दिखाई देगा। कुछ देर सिस्टम आपका बूट करेगा, डिपेंड ऑन यूर रैम एंड यूर मेमोरी, उसके हिसाब से आपको वेट करना है। ये फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई देगी, यहाँ भी कुछ ट्रबल शूटिंग आपको छोटे से करने होंगे, जैसे हम विंडोज OS में भी करते हैं, यूज़र नेम वगैरह या कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह वो इसमें यहाँ पे होंगे रिबूट होने के बाद, जो फर्स्ट टाइम आपका कंप्यूटर बूट होगा। तो फर्स्ट टाइम आपका कंप्यूटर बूट होगा तो आपको वो स्क्रीन में तो टाइम लगेगा। ये आ गया है, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, उस लाइसेंस इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें, ISCAP पे लाइसेंस एग्रीमेंट पर क्लिक करें, देन आप डन कर दें। और डन करने के बाद नेटवर्क होस्ट नेम में भी वही चीज़ है, आप नेटवर्क को ऑन कीजिए और उसके बाद आप होस्ट नेम भी बदल सकते हैं, अदरवाइज इसे डन करके अंदर जाके भी कर सकते हैं। फिर आता है सब्सक्रिप्शन मैनेजर, सब्सक्रिप्शन मैनेजर पर ही हमने ये मेन वीडियो बनाया है, तो वो मैं यहाँ नहीं करके आपको इस स्टेप पे ना करके उसको बूट करा के फिर उसके दोनों तरीके दिखाऊंगा जिन जिन तरीकों से सब्सक्रिप्शन मैनेजर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका रेडिट लाइनक्स फर्स्ट टाइम बूट होने के लिए रेडी है और अभी आपके सामने फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगा। यूज़र मैंने बनाया था टेम्प और उसका पासवर्ड भी रखा था, तो टेम्प यूज़र पे क्लिक कीजिए और टेम्प यूज़र नेम का पासवर्ड आप एंटर कर दीजिए। देखिए अभी शायद वो पासवर्ड में से गलती हो रहा है, दोबारा पासवर्ड एंटर करता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको लाइनक्स इंटरफेस का फर्स्ट पेज आपको मिल जाएगा और यहाँ पे बता रहा है कि इतने बजे लास्ट फेल लॉगिन आपने ट्राई किया था, तो एक बार पासवर्ड मैंने पहले डाल दिया था, तो मैसेज देने के बाद फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगा मेरे रेडिट लाइनक्स प्लेटफॉर्म का। आज की वीडियो का टॉपिक है कि रेडिट इंस्टॉल कैसे होता है और उसको सब्सक्राइब कैसे किया जाता है।
ताकि उसकी सारी सर्विसें हम यूज़ कर सकें। उसमें सर्वर बनाना है, उसको कुछ भी बनाना है, तो हम विद इंटरनेट ऑनलाइन से बना सकते हैं। तो पहली स्क्रीन लॉगिन होते ही ये पेज आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपको इंग्लिश इंडिया लेना है और इसके बाद टाइपिंग लैंग्वेज लेना है और गूगल की कोई सर्विस ऑनलाइन अकाउंट चाहते हो तो दीजिए, वरना आइए एक्सेप्ट कर दीजिए। ये सब करने के बाद एक पेज अपने आप खुलेगा, उसको बंद कर दीजिए। सबसे पहले आपको टर्मिनल पे जा सकते हैं, चेंज डेस्क बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं OS का, और एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप इसके यूटिलिटी में जाकर, सिस्टम टूल में जाकर इसकी सारी सर्विसें ग्राफिकली भी चेंजेस करके यूज़ कर सकते हैं। होम में जाकर आप अपना कंप्यूटर देख सकते हैं, जैसे माई कंप्यूटर होता था वो प्लेस में इसके है, प्लेस पे जाएंगे तो आपकी फाइल सिस्टम यहाँ दिख जाएगा जो आप बना कर लाए हो। उसके बाद एप्लीकेशन में जाने के बाद आप सिस्टम टूल जो ऑप्शन मेन है उसकी सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद भी आपको जो सारे ऑप्शन आपके हैं ट्रबल शूटिंग वाले वो यहीं पर आपको मिलेंगे। नेटवर्क है, डिटेल्स है, यहाँ आप देख सकते हो ये मेरे PC का पूरा वर्जन आ रहा है और इसमें डिटेल्स है, 64-bit OS डाला हुआ है, 10.10 ये मेरे को एक IP मिला है मेरे DAC PC जिसको मैंने वो मैं इसका नेम बन गया था डिवाइस नेम, तो मैंने इसका डिवाइस नेम भी टैम्प कर दिया है, कंप्यूटर नेम टैम्प कर दिया। और उसके बाद डेट टाइम देख लीजिए, ऑटोमेटिक ऑन होना चाहिए ताकि वो इंटरनेट से अपने टाइम को सिंक कर ले। और उसके बाद हम बैक करेंगे, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर्स दिखाई दे रहे थे यहाँ पे आपको। इसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड नोटिफिकेशन ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब हमारा वीडियो इन टॉपिक्स पे नहीं है, ये बैकग्राउंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन है, रीजनल लैंग्वेज है, ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके नेटवर्क का देख सकते हैं कौन सा कनेक्ट है, वायर नेटवर्क कनेक्ट है, डेट टाइम देख सकते हैं यहाँ से। और सभी यूटिलिटी को आप ग्राफिकली भी आजकल लिनक्स के इन वर्जनों में आप चेक कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। पहले सारे काम कमांड बेस पे करने के लिए बहुत सारी कमांडें आपको रिमेम्बर करनी पड़ती थी। इसमें वाईफाई एडॉप्टर इसे वर्चुअल मशीन ने डिटेक्ट नहीं किया इसलिए वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो आजकल क्या है कि बहुत सारे काम हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं OS की तरह, पर मेन काम आज भी हमें GUI पर पॉसिबल नहीं है, CLI पर ही करने पड़ेंगे। तो उसके बाद इसमें शेयरिंग ऑप्शन भी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है और रिमोट लॉगिन ऑन है। ये सब ऑप्शन सब चीज़ें आपको अवेलेबल है, हार्डवेयर डिटेल, साउंड कार्ड कौन सा है, पावर स्कीम कौन सी चल रही है, कितनी देर बाद आपका PC ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, इसे स्टैंड बाई टाइम कहते हैं। यहाँ से आप रेजोल्यूशन बदल सकते हैं, रेजोल्यूशन थोड़ा छोटा आ रहा है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि डिजिट, क्योंकि बाई डिफॉल्ट ये वर्चुअल मशीनों में करना 800x600 के पिक्सल पे चल रहा है, अभी हम इसके पिक्सल थोड़े से अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग कुछ बढ़ा लेते हैं। स्क्रीन थोड़ा सा फ्लक्चुएट होकर आपके सामने आया, इसमें रिवर्ट सेटिंग पर वापसी वो दिया जाएगी और कीप सेटिंग पर आप जो नए वाला सेटिंग आपने किया है वो रिजर्व सेट हो जाएगा। तो मेरे से गलती से वो रिवर्ट वाले पे होगा, तो अभी 1920x1600 देखिए, देखिए नए वाले डिस्प्ले पे जाने यार चले गए हम, डन करते हैं। और ये पूरा आगे इस पर हम कीप सेटिंग पे रहेंगे तो इसमें अच्छे ग्राफिक्स हमें मिलने लग गए हैं हाई रेजोल्यूशन वाले, तो यहाँ पर हमने हाई रेजोल्यूशन वाले ग्राफिक्स पे हम अवेलेबल आ गए हैं। अब हम अपने मेन मकसद की तरफ चलते हैं जिसके लिए वीडियो बनाया गया है, इसको सब्सक्राइब कैसे करें। दोस्तों आपको बता दें, पहली निशानी है सब्सक्राइब, देख सकते हो नॉट सब्सक्राइब लिखा आएगा डिवाइस में। दूसरा आप एक कमांड होती है इसको सबसे पहले अपडेट करने के लिए टर्मिनल पे जाके यम अपडेट कमांड चलाएंगे तो ये एक एरर देगा, यू आर नॉट सब्सक्राइब। अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो आप रेडिट को कुछ तोड़ मोड़ या कुछ फाइल्स में चेंजेस करके तो इंस्टॉल कर सकते हो, जिसे डुप्लीकेट या एक गलत वे कहते हैं, परंतु सही सही वे आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप विदाउट सब्सक्रिप्शन के भी रेडिट लिनक्स को यूज़ कर सकते हो किसी भी वर्जन को। फेमस वर्जन है 7.9, इस पर PHP, MyAdmin, MariaDB, SQL, MySQL ये सब चल जाते हैं, तो ये इस समय का स्टैंडर्ड सा वर्जन है जो ना ज़्यादा पुराना है ना ज़्यादा नया है। तो हमने आज वीडियो इसी पर बनाई है और आप जेन्युइन भी ले सकते हैं। दोबारा आपको बता दें, आज के समय में $30 देकर आप लिनक्स रेडिट का 1 year का सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली ले सकते हैं, परंतु अगर आप इंस्टॉलेशन करके देखना चाहते हैं, आपने एक्चुअल वेब सर्वर नहीं बनाना है, किसी भी तरह का सर्वर नहीं बनाना है एक्चुअल में, खाली आप टेस्टिंग या ट्रायल करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है दोस्तों। आप रेडिट पे जाएं, अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा, access.reddit.com आपकी वेबसाइट ओपन करनी है,
उस पर आपको एक ईमेल आईडी और पासवर्ड से अपना यूजर नेम रजिस्टर कर लेना है और आपको लाइसेंस मिल जाएंगे, बिल्कुल सिंपल, फ्री ऑफ कॉस्ट। पर ये डेवलपिंग के लिए दोस्तों, इसका मिसयूज मत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इफ कॉन्फिग कमांड लगाई तो हमें जो आईपी मिले हुए हैं वो दिखाई दे रहा है, फिर हम गूगल को पिंग करके देख रहे हैं तो पिंग रिस्पांस भी हमें अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, पिंग का रिस्पांस हमें आ रहा है, यानी कि इस मशीन पे ये एक्टिवेट है, इस पे नेट भी चल रहा है, इसको आईपी भी मिले हुए हैं मेरे राउटर से, तो एवरीथिंग ऑन है। पर अब इसको चलाने के लिए, इसको जिस भी तरह का मुझे सर्वर बनाना है उसके लिए ये कमांड होती है दोस्तों, सब्सक्रिप्शन मैनेजर स्पेस रजिस्टर, ये देंगे तो ये आपसे रूट का एक्सेस मांगेगा। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि मेन यूजर कौन होता है, रूट, तो इसने रूट का एक्सेस आपसे मांग लिया है। अभी मेरे पास रूट का पासवर्ड मैंने वहाँ बनाया था, पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि वो क्या है, तो देखिए मैं अभी पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ और वो पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैंने कहा था कि जो यूज़र है उससे विंडो तो चल जाएगी, OS का GUI वर्जन तो चल जाएगा, मगर मेन काम नहीं होंगे। तो अब देखिए, हम इसका सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे रूट के थ्रू लॉगिन करो। तो ये नेक्स्ट कमांड है, sudo पासवर्ड, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, स्पेस रूट, आपको ये लिखना है sudo पासवर्ड स्पेस रूट। इस कमांड, ये अभी चली नहीं, शायद कोई कंफ्यूजन है, sudo पासवर्ड, देन आप क्लिक करेंगे तो ये तो हमें टेम्प का पासवर्ड बदलने के लिए कह रहा है, बट हमें टेम्प का पासवर्ड तो पता है दोस्तों, हमें पासवर्ड बदलना है रूट का। तो अभी दोबारा हम कंट्रोल सी करते हैं और बाहर आते हैं, दोबारा से वो कमांड लगाते हैं sudo पासवर्ड स्पेस रूट, देन एंटर। तो ये हमसे sudo पासवर्ड टेम्प का पासवर्ड मांग रहा है, ये आप टेम्प का पासवर्ड दीजिए क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, तो पहले इसका पासवर्ड मांगेगा, फिर हमसे ये देखिए, जैसे मैंने टेम्प का पासवर्ड दिया जो मुझे पता था, इसने न्यू पासवर्ड के लिए कहा रूट के लिए, तो अपने आप इसने रूट का पासवर्ड भी हमसे डिज़ाइन करवा लिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो मैंने रूट का पासवर्ड दे दिया यहाँ पे, पर ये भी गलत एंटर हुआ रीट्राइप में। एक्चुअली हम वर्चुअल मशीन पर काम कर रहे थे, थोड़ा सा बिजी और हैंगिंग का प्रॉब्लम करके पासवर्ड एंटर करने में इश्यूज आ रहा है, पर थोड़ा सा दोस्तों एडजस्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये रूट का पासवर्ड हम सेट कर रहे हैं, नया पासवर्ड। इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बता दिया कि रूट का पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है, तो अगर पास एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड है तो भी आप रूट का पासवर्ड sudo स्पेस पासवर्ड स्पेस रूट लिखकर रूट का पासवर्ड डिफाइन भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेन कमांड जिसे चेक होगा, यम अपडेट, जैसे मैंने कमांड लगाई एरर आ गया कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद द एंटाइनमेंट सर्वर, आप रजिस्टर नहीं है इस सर्विस के लिए, यही एक इश्यू है। इसको अब इससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, इसका सब्सक्रिप्शन मैनेजर स्पेस रजिस्टर कमांड है, इसको क्लिक करना है और ये चल जाएगी। इसमें यूजर नेम पासवर्ड देने हैं जो आपने रेड हैट की साइट पर अपना अकाउंट बनाया है, रेड हैट की साइट पर जो आपने अकाउंट बनाया है वहीं पे आपको अपना यूजर नेम मिलेगा और जो पासवर्ड आप वहाँ बनाओगे वही पासवर्ड यहाँ दोगे, तो आपका यूज़र सब्सक्राइब मैनेजर में सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट होकर आपके रेडिट फुल फ्लैश अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने फिर अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, परंतु ये यूजर नेम पासवर्ड काम नहीं कर रहा है। तो ये तो एक तरीका है, इस तरीके से भी चल जाता है। अब हम लेके चलते हैं आपको वेबसाइट पर, google.com लिखना है, google.com लिखना है अपने access.redhat.com। यहाँ पर मैंने यूजर नेम पासवर्ड बना रखा है, डायरेक्ट इस पर कोई भी व्यक्ति रजिस्टर हो सकता है नॉर्मल जीमेल की आईडी से। मेरे पास कुछ ऑफिशियल नहीं है, मैंने कुछ बाय नहीं किया, मैं वहाँ पे साइन अप करके रजिस्टर हो गया, आप भी कर सकते हैं और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये लाइसेंस आप बाय नहीं कर रहे हैं, ये आपको डेवलपिंग करने के लिए मिला है। तो इस तरह की एक वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, इस वेबसाइट में आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है, जो मेरा यूजर नेम है जो मैंने रजिस्टर करते समय बनाया है, मुझे मिला है वो मैंने एंटर कर दिया है, और यहाँ मैं अपना पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। ये आपको दिखाना मैं भूल गया था, इसलिए सब्सक्रिप्शन मैनेजर को रोक के बीच में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पासवर्ड मेरे से गलत हो गया, दोबारा पासवर्ड को हम एंटर करेंगे, फिर हम इसे लॉगिन कर देंगे। जैसे ही हम इसे लॉगिन करेंगे दोस्तों,
तो हमारे सामने एक डिटेल्स ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर हो सकता है एज ए डेवलपर। अगर आप डेवलपर रजिस्टर हो गए तो आपको सब्सक्रिप्शन की पावर भी मिल जाएगी इसी अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वेबसाइट ओपन होगी दोस्तों, इस पे आपको प्रोडक्ट में जाना है और ये रीडायरेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिखा दें मेरे पास दो एक्टिवेट सब्सक्रिप्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दो मिलेंगे। और सिस्टम दिखा सकता है, देखिए दोस्तों फिजिकल, वर्चुअल या हैश पर पावर, मैंने कोई भी अभी रजिस्टर नहीं किया, सब 00 आ रहा है। जैसे हम इस मशीन को रजिस्टर कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा। और अकाउंट डिटेल में जाकर आप अपना यूज़र नेम देख सकते हैं। जब आप रजिस्टर होंगे तो ईमेल आईडी से होंगे और यूज़र नेम आपको यहाँ पे बनेगा, वो साइन अप करते वक्त आप डिज़ाइन करोगे या बाय डिफ़ॉल्ट भी बनेगा जैसे कहीं भी आपको यूज़र नेम मिलता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुली है, इसमें लॉगिन एंड पासवर्ड का एक ऑप्शन है, जैसे पासवर्ड चेंज होता है वहीं पर आपको दोस्तों यूज़र नेम का स्क्रीन भी मिल जाएगा। ये है दोस्तों रेडिट लॉगिन, तो मैंने इसे ब्लर कर दिया है। तो यहाँ रेडिट लॉगिन में मेरा यूज़र नेम मेरे को दिखाई दे रहा है, ये वाला यूज़र नेम और इस आईडी में जो पासवर्ड है वो मुझे एंटर करना है तो मैं अपनी लिनक्स को सब्सक्राइब कर पाऊँगा और मुझे सारी परमिशंस मिल जाएंगी रेडिट को यूज़ करने के लिए। तो अभी चलते हैं दोस्तों अपने वापसी। वो तरीका मैंने एक बताया था आपको CLI, इस बार मैं GUI तरीके से आपको, यहाँ पे वही काम करेंगे तो वो रजिस्टर हो जाएगा, पर अब मैं आपको बताऊंगा GUI तरीका। यहाँ पे भी आप जाओगे तो दोस्तों सिस्टम में ऑप्शन है रेडिट एक्सेस का। रेडिट एक्सेस वही अकाउंट है जो आपने वेबसाइट पे जाके लॉगिन किया था, यहाँ भी करके देख सकते हैं। और हमें सब्सक्राइब करना है तो इसमें नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे दोस्तों दोबारा सिस्टम टूल में और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास रेडिट सब्सक्रिप्शन मैनेजर। ये ग्राफिकली है, इसमें भी आपको पहले वही तरीका है, रूट का पासवर्ड डालना होगा फिर आपको परमिशन मिलेगी रजिस्टर होने की। तो इसमें रूट का पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने एक विंडो खुलेगा जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड मांगा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करें, ये subscription.reddit वही वेबसाइट, इसके अंदर क्लब है। देन नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ लॉगिन में यूज़र नेम जो रेडिट की साइट पे आपने बनाया है वो, और वही वाला पासवर्ड, ये दोनों आप देंगे और नीचे सिस्टम का नाम जिस नाम से आप सिस्टम को रेडिट में रजिस्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं अपना यूज़र नेम दे रहा हूँ, सिक्योरिटी एजेंसी जिसको मैंने ब्लर किया हुआ है, और इसके बाद मैं अपना पासवर्ड दे रहा हूँ। जैसे ही मैं इसे रजिस्टर करूंगा तो ये रजिस्टर हो जाएगा, शायद पासवर्ड गलत हो गया है। आपको फिर बता दूं मैं वर्चुअल मशीन पे काम कर रहा हूं, इस वजह से थोड़ा सा हैंगिंग प्रॉब्लम की वजह से पासवर्ड एंटर करने में दिक्कत आ रही है। हम दोबारा पासवर्ड एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करने के बाद हमारा ये सब्सक्रिप्शन इस विंडोज में अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट की या कुछ भी नहीं दिया जाता है, कोई की नहीं आएगी आपके पास दोस्तों। अगर आप लाइसेंस भी लोगे, जेन्युइन लाइसेंस भी, तब भी आप इसी तरह रजिस्टर हो जाओगे। आपको एक यूजर नेम पासवर्ड बनाना पड़ेगा रेडिट एसएस आईडी ईमेल आईडी पे, वो ईमेल आईडी आप अपने पार्टनर को देंगे जिससे आपने लाइसेंस लिया है, उस आईडी में लाइसेंस सब्सक्रिप्शन आपको दिखने लग जाएंगे कौन सा वाला लाइसेंस आपने लिया है और फिर उसको कब यूज़ किया है वो भी उसके सामने, जैसे अभी फिजिकल वर्चुअल कहाँ आपने उसको डाला है वो भी आपको दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा आपको सब्सक्रिप्शन को अटैच होने में आपके इस लाइव ओएस के साथ, उसके बाद आपको यहाँ स्क्रीन हट जाएगी और फिर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको रजिस्टर आएगा। तो यहाँ पर रेडिट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर इसमें दिखाई दे रहा है और इसमें नॉट सब्सक्राइब आ रहा है क्योंकि मेरा जो वर्जन है वो एंटरप्राइज 9 के लिए है, हम एक्चुअली में डाउनग्रेड वाले पे काम कर रहे हैं इसलिए नॉट सब्सक्राइब आ रहा है, ठीक है जी। तो अगर आप 9 डालोगे तो ये सब्सक्राइब आएगा और वो अभी इसलिए नहीं आ रहा है। इसी तरह आप यहाँ पर भी वो काम कर सकते हो। अब हम कमांड लगा के देखते हैं यम अपडेट, जिसके जो कमांड से हमें कन्फर्म हो जाएगा कि क्या हमारा लाइसेंस काम कर रहा है। और उससे पहले मैं आपको ग्राफिकली रेडिट अकाउंट में लॉगिन होके जो 00 आ रहे थे वर्चुअल और फिजिकल, वहाँ पे मैं वर्चुअल, क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन पे हूँ इसलिए वर्चुअल कैटेगरी में वो दिखाई देगा कि मैंने रजिस्टर कर लिया है एक लाइसेंस, वो चेक करा देता हूँ। फिर हम इस पर यम अपडेट कमांड चला के देखेंगे, अगर वो कमांड चलती है तो दोस्तों हमारी मेहनत सफल हुई, हम सक्सेसफुल हुए।
देखिए मैंने यहाँ चेक करा दूँ, यहाँ हम सब्सक्रिप्शन में अगर जाएंगे, प्रोडक्ट में जाके सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो हमें यहाँ सब्सक्रिप्शन में हमें जाना है, इसमें अकाउंट में, देन सब्सक्राइब। तो जैसे ये खुलेगा, यहाँ दो लाइसेंस हमारे पास थे पर हमने लाइव कितने किए वो ये देखिए, एक जहाँ 0-0 था पिछली बार सिस्टम में, वहाँ एक हो गया, एक वर्चुअल एक्टिवेट हो गया। तो देखिए दोस्तों, हम ऑनलाइन भी चेक कर पा रहे हैं कि हमने दो लाइसेंस में से एक लाइसेंस वर्चुअली यहाँ इस्तेमाल कर लिया अपने रेडिट का। हमने इस वीडियो में 7.9 ओएस आपको डालना सिखाया, उसके बाद उसका सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे एक्टिवेट होगा ये बताया, और वो कैसे होता है उसे बाय भी किया जा सकता है और डेवलपिंग के लिए उसको फ्री में भी डाला जा सकता है। तो उसके लिए आपको डेवलपर अकाउंट बनाना है, एक अकाउंट में दो लाइसेंस मिलेंगे और आप अपने मशीनों पर रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर हो गया, अब हम इसको बंद करेंगे और टर्मिनल पर जाएंगे और फिर आपको यम अपडेट कमांड चलाकर दिखाएंगे पूरा का पूरा पीसी विदाउट एनी एरर विद ए लाइव प्रूफ कि इस वीडियो में हमने जो लाइसेंस डाला है वो काम करता है, और हमने किसी भी प्रोग्रामिंग फाइल्स इसकी, किसी भी कर्नल से, इसकी जो कर्नल है, जो शेल प्रोग्रामिंग है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। देखिए यम अपडेट, और हम बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिकेट ऑफिशियल तरीके से इसमें यम अपडेट कमांड लगा रहे हैं, और ये जितने भी अपडेट इसके पेंडिंग हैं ये ऑफिशियल वे से, सब्सक्राइब वे से, जिस तरह से ऑफिशियल कंपनियाँ करती है। देखिए ये यम अपडेट कमांड जो नहीं चल रही थी वो आपके सामने है और चलना शुरू हो गई है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब ये कमांड चलना शुरू हो गई है। यहाँ पर दोस्तों आपके पीसी का जितना रैम और पावर होगा और आपका इंटरनेट स्पीड जितना अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपडेट हो जाएंगे। जितने भी अपडेट इस वर्जन के लिए अवेलेबल होंगे वो सभी के सभी आपके सामने अपडेट होने यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। इसके बीच में ये पहले इनको डाउनलोड करेगा, फिर इनको अब इंस्टॉल करिए दे और आपसे परमिशन भी लेगा, तो आपने यस कर देना है और उसके बाद सारे अपडेट होने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना अनकट किए हमने लाइव आपको सारे अपडेट होते हुए और एक एक अपडेट बिल्कुल, हम जब तक ये वीडियो अभी तक हम शुरू रखेंगे जब तक पूरे के पूरे अपडेट कंप्लीट ना हो जाए और यम अपडेट कमांड कम्प्लीटली सक्सेसफुल ना हो जाए, हम पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे और शूट करके ही आपको दिखाएंगे एज ए प्रूफ, एज ए हमने कोई जुगाड़ नहीं किया, हमने कोई इसके रूट नहीं बदले कि ओरिजिनल सर्वर से ना अपडेट होके दूसरे सर्वर से ही अपडेट हो जाए, हमने ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं लगाई इसको चलाने में। तो बिल्कुल ऑथेंटिकेट और जेन्युइन तरीका आपको इस वीडियो में बताया गया है जिसके जरिए आप लाइनक्स रेडिट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑफिशियली जो उसका प्रॉपर चैनल है उसके जरिए वीडियोस रेडिट सर्वर को बना सकते हैं। आपको यहाँ पे जैसा भी सर्वर बनाना है, यम अपडेट कमांड चलने के बाद आपकी एवरी टाइप कमांड चलेगी और आप हर तरह का सर्वर जैसा भी आप ट्रायल करके प्रैक्टिस करके देखना चाहते हैं यहाँ पर करके देख सकते हैं और बना सकते हैं। दोस्तों हम अपनी मेहनत से ये वीडियोस बना रहे हैं, उसमें हमारा काफ़ी समय लगता है, पूरा का पूरा दिन लग जाता है इस इन एक्सपेरिमेंट्स के साथ, फिर इस वीडियो को एडिट करके आप तक लाने में। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ऐसे सरल हिंदी भाषा में टेक्निकल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, और क्योंकि हम बाय प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं है तो हमारे कुछ और भी टास्क है, और भी काम है, मैं टेक्निकली कहीं पे वर्क करता हूँ और हमें एक्चुअल भी सर्वर बनाने हैं, उनको कुछ मेंटेन करना है, उनको ऑपरेट करके चलाना है, तो हमें टाइम नहीं मिल पाता। पर जब भी मुझे समय मिलता है रात को जिस भी समय, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लाना और एक ऑथेंटिकेट टॉपिक, यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा है और एक ऑथेंटिकेट टॉपिक के साथ हम आपके साथ आते हैं। तो ये अपडेट हो गया आपके सामने, इसके बाद मैं इफ कॉन्फिग से दोबारा आपको आईपी दिखा दूँ, और ये आईपी मिल रहे हैं, नेट चल रहा है इस मशीन पे। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको इनमें से हो सकता है हमने टेक्निकली बहुत कुछ स्किप कर दिया हो या बड़े फास्टली चले हों
या कहीं कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट में डालें, हम कोशिश करेंगे उस कमेंट्स में आपको बिल्कुल 100% जवाब देने का। थोड़ा देरी हो सकता है अगर हम व्यस्त हुए, परंतु 100% कोशिश करेंगे तय दिल से आपके रिप्लाई करने का। और अगर कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हुआ तो हम उस पर वीडियो भी इसी चैनल पर लेकर आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इसको शेयर करें और अपने दोस्तों तक, ताकि हम आपके लिए जेन्युइन और ऑथेंटिकेट वीडियोस बना सकें और ला सकें। इसके लिए बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू।